नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के मैच नंबर 26 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पॉइंट टेबल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जहां पर मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल की टीम को बड़ी खुशखबरी मिली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल का अब क्या हाल है मुंबई इंडियंस की लगातार छठी हार के बाद। इसके अलावा ऑरेंज कैप व पर्पल कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाजों व गेंदबाजों के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स की इस शानदार जीत से खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में टॉस जीता मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने, और ऐसा लगा था कि आज मुंबई इंडियंस की किस्मत पलटेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और उनका यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी की केएल राहुल और क्यूटन डिकॉक ने और टीम को काफी शानदार शुरुआत दिलाई। शुरुआत से काफी आक्रामक बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन क्यूटन डिकॉक 24 रन बनाकर पेवलियन लौटे 13 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल और मनीष पांडे के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। इस दौरान केएल राहुल की धमाकेदार पारी देखने को मिली। आईपीएल में अपना 100वां मुकाबला खेल रहे केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल में तीसरा शतक ठोक दिया। वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये उनका दूसरा शतक है। केएल राहुल ने नाबाद 60 गेंदों पर 103 रनों की पारी खेली। इस पारी में 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। केएल राहुल के अलावा मनीष पांडे ने 38 व दीपक हुड्डा ने अंत में 15 रनों का शानदार योगदान दिया, जिसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स ने 199 रन बनाए और 200 रनों का टारगेट दिया मुंबई इंडियंस को। लेकिन मुंबई इंडियंस की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा 7 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। तो वहीं पर ईशान किशन भी बेहद ही खराब पारी खेली, उन्होंने 17 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाए। तो वहीं पर डिवेल्ड ब्रेविस ने जरूर आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन वो भी 13 गेंदों पर सिर्फ 31 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। हालांकि पारी दमदार थी, लेकिन लंबी नहीं हो सकी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने शानदार साझेदारी करने की कोशिश की। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई, लेकिन टीम को जब तेज रनों की जरूरत थी तो दोनों पेवलियन लौट गए। और टीम की तरफ से सूर्य ने जहां 37 तो तिलक वर्मा 26 व कायरन पोलार्ड भी 25 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। और इस मुकाबले को शानदार तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 रनों से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही अब आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है। तो चले दोस्तों, जानते हैं पॉइंट टेबल में कौन सी टीम इस समय किस नंबर पर है। तो दोस्तों, फिलहाल पॉइंट टेबल में नंबर 10 पर मुंबई इंडियंस है, जो कि इस समय बेहद ही खराब स्थिति पर पहुंच चुकी है। 6 में से 6 मुकाबले हारने वाली मुंबई इंडियंस की नेट रन रेट भी -1.048 है। एक भी मुकाबला अब तक नहीं जीत पाई और आईपीएल के इतिहास में अब यह टीम लगातार सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली आरसीबी की बराबरी कर चुकी है 6 में से 6 मुकाबले हारने के बाद। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 4 मुकाबले हारे हैं, इनके 2 अंक है। साथ ही नेट रन रेट भी -0.74 है, जिसके चलते फिलहाल ये टीम नंबर 9 पर मौजूद है। वहीं पर नंबर 8 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और इनके सिर्फ 4 अंक है, जबकि नेट रन रेट +0.47 है, जिसके चलते फिलहाल ये नंबर 8 पर है। वहीं पर पॉइंट टेबल में नंबर 7 की हम बात करें तो यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, साथ ही इनके 6 अंक है और नेट रन रेट -0.19 है। अभी भी फिलहाल ये टीम नंबर 7 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 6 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम है, जिन्होंने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 6 अंक इनके हैं, नेट रन रेट +0.006 है, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम इस समय नंबर 6 पर मौजूद है। तो वहीं पर इस लिस्ट में नंबर 5 पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 3 ही मुकाबले हारे हैं, 6 अंक इस टीम के पास है, नेट रन रेट +0.22 है, जिसके चलते फिलहाल ये नंबर 5 पर है। तो वहीं पर नंबर 4 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है पंजाब किंग्स, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 6 अंक इनके हैं, साथ ही नेट रन रेट +0.23 है, जिसके चलते फिलहाल नंबर 4 पर हैं। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, इनके भी 6 अंक हैं, नेट रन रेट +0.38 है। तो वहीं पर अब नंबर 2 पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आ चुकी है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, इनके फिलहाल 8 अंक है, जबकि नेट रन रेट +0.29 है, जिसके चलते ये नंबर 2 पर हैं। तो वहीं पर नंबर 1 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात टाइटन्स है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है, इनके भी 8 अंक हैं,
जबकि नेट रन रेट प्लस 0.45 है। दोस्तों जहां तक हम बात की जाए तो दो नई टीमें आईपीएल की समय पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पर है, जबकि दो सबसे बड़ी टीमें जिन्होंने सबसे ज्यादा आईपीएल की ट्रॉफियां जीती है वो इस समय सबसे आखिरी पायदान पर है। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑरेंज कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में। तो दोस्तों इस लिस्ट में फिलहाल हम नंबर 5 बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है शिवम दुबे, फिलहाल नंबर 5 पर हैं जिनके 207 रन हैं। तो नंबर 4 पर क्यूटन डिकॉक है 212 रनों के साथ। तो नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या है 228 रनों के साथ, जबकि नंबर 2 पर आ चुके हैं अब केएल राहुल 235 रनों के साथ। तो वहीं पर नंबर 1 पर अभी भी जोस बटलर है 272 रनों के साथ, यानी कि फिलहाल ऑरेंज कैप जोस बटलर के पास है। वहीं पर दोस्तों पर्पल कैप की रेस के नंबर 5 की हम बात करते हैं, यहाँ पर कुलदीप यादव है जिनके 10 विकेट हैं। तो नंबर 4 पर उमेश यादव है, इनके भी 10 विकेट हैं, जबकि नंबर 3 पर टी नटराजन है 11 विकेट के साथ। तो नंबर 2 पर आवेश खान है, इनके भी 11 विकेट हैं, जबकि नंबर 1 पर यजवेंद्र चहल है जिनके 12 विकेट हैं। यानी कि टॉप 5 में सिर्फ भारतीय ही गेंदबाज नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम कौन सा गेंदबाज करेगा आगे कमाल, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।